नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और पटना से चलकर के वार्ड नंबर 5 में आ गए हैं। वार्ड नंबर 5 में मौजूदा वार्ड पार्षद है दीपा रानी खान जी से हम बात करेंगे कि किस तरह से विकास करें कि जो भी आपके वार्ड में विकास हुआ वह विकास झलकता है और जनता जनार्दन के ही समर्थन से विकास भी कर रहे हैं। जनता जनार्दन का जो भी कार्य जो बाकी होता है वह अच्छे से काम कर रही है और किस तरह से विकास करेंगे मैम? मैंने पिछले 5 वर्षों में गली नली साफ सफाई और कोरोना के समय में अनाज बांटने से लेकर के लोगों को हॉस्पिटल देने का मैंने काम किया है। मेरे समय से मेरी जनता मुझसे संतुष्ट है और मैं चाहूँगी कि मैं अपना काम जैसे निरंतर कर रही हूँ, आगे भी करती रहूँ। इसका मौका मुझे जनता ही देगी, इसके लिए मैं उनकी आभारी हूँ मैम। और सब बहुत और भी हम बात करते हैं कि वार्ड नंबर 5 में मैम जनता जनार्दन ने आपको फिर अगर इस बार जीत दिला दी, क्योंकि आपका जो विकास करने का तरीका बहुत ही अलग है। वही विकास के मुद्दे पे हम बात करेंगे कि यह जो विकास आप करें मैम जनता जनार्दन को और कैसे करेंगे। अभी तक मैंने जो विकास का काम किया है, मैंने पहले भी कहा कि मेरी जनता मुझसे संतुष्ट है। जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे अगर जनता फिर से मौका देती है तो मैं जिस तरह से काम करती रही उसी को मैं आगे भी बढ़ाऊँगी और भी इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। लोगों की सुझाव को लेते हुए, सुझाव को देखते हुए मेरी समझ ये है कि मैं लोगों के सुझाव को अपनाऊँ और उस सुझाव को मैं अपने वार्ड के विकास में शामिल करूँ। सीधा इनका एक ही कहना है क्या कि 5 साल से लगातार तो विकास कर रहे हैं और भी विकास होगा तो जनता जनार्दन फिर आप अपना क्या है कि अपना मत, बहुत सारे प्रत्याशी तो बहुत खड़े हो गए लेकिन जो मौजूदा जो आपके वार्ड पार्षद हैं दीपा रानी खान का काम करने का तरीका बहुत अलग है। वो हमेशा वार्ड में विकास के मुद्दे पर ही काम कर रहे हैं तो आप भूलिए मत और आपके पुराने जो पार्षद हैं दीपा रानी खान को ही अपना मत दीजिए और यही मत आपके वार्ड में और विकास करेगा। खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24।